माँ बाप का दर्जा बहुत बुलंद व बाला है, इनकी दुआएं औलाद के हक में ज़रूर मकबूल होती हैं। बस इन्हें खुश रखिए, खूब खिदमत करके वालिदैन की दुआएं लीजिए। इनकी खुशी ईमान की सलामती और इनकी नाराज़ी ईमान की बर्बादी का बाइस हो सकती है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि माँ बाप का फरमा बरदार सदा फला फूला और शादो आबाद रहता है। दुनिया में जहाँ कहीं रहे अपने माँ बाप की दुआओं का फैज़ उठाता रहता है। हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जब औलाद अपने माँ बाप की तरफ रहमत की नज़र करे तो अल्लाह ताला उसके लिए हर नज़र के बदले हज मबरूर यानी हज मकबूल का सवाब लिखता है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की कि अगरचे दिन में 100 मरतबा नज़र करे, फरमाया नाम अल्लाहु अकबर व अतयब यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा पाक है। यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर शय पर कादिर है, वो जिस कदर चाहे दे सकता है, तो हरगिज वो आजिज़ नहीं। लिहाजा अगर कोई अपने माँ बाप की तरफ रोज़ाना 100 मरतबा तो क्या 1000 मरतबा भी रहमत की नज़र करे तो वो उसे 1000 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए। यकीन जानिए कि जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं होते उन्हीं से माँ बाप की कदर मालूम की जा सकती है कि वो किस कदर हसरत करते होंगे कि काश हम भी माँ बाप की ज़ियारत करते, उनकी दुआएं लेते, उनकी खिदमतें करते। बहरहाल अल्लाह ताला ने अगर वालिदैन की नेमत से मुशर्रफ किया है तो इनकी खूब खूब खिदमत कीजिए। मशगूल जो रहता है माँ बाप की खिदमत में अल्लाह की रहमत से जाता है वो जन्नत में। माँ बाप को ईज़ा जो देता है शरारत से जाता है वो दोज़ख में। आमाल की शामत से सल्लु अलैहि।